कल सरकार और किसानों के बीच होगी छठे दौर की बातचीत। किसान संगठनों ने सरकार को भेजे हैं प्रस्ताव में चार एजेंडे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 33वां दिन। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। किसानों ने और तेज किया आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर पर टेंट सिटी बनाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा सरकार को भेजा संदेश हिलने वाले नहीं है। सरकार और किसानों से बातचीत से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सिंघू बॉर्डर पर लगे मोदी मर जाए के नारे। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर प्रदर्शन। कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध जताया। किसान आंदोलन को लेकर प्रियंका वाड्रा ने सरकार पर निशाना साधा। कहा मोदी सरकार कर रही है किसानों के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। प्रियंका ने कहा किसानों के लिए जवाबदेह है केंद्र सरकार। आंदोलनकारियों की बात सुने, कृषि कानूनों को तुरंत वापस लें। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर हमला बोला, निष्ठुर और निर्दयी सरकार कहा। सुरजेवाला ने कहा मोदी जी किसानों को काले कानून मानने नहीं तो हाईवे से भाग जाने को कह रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कांग्रेस के शासन में किसान ने कभी आंदोलन नहीं किया, प्रधानमंत्री को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। स्मृति ईरानी ने किसान कानूनों पर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्हें चुनावी नतीजे बता रहे हैं लोकतंत्र का सच क्या है। अरुणाचल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर स्मृति ईरानी ने जनता का आभार जताया। जिला पंचायत चुनाव में 242 में से 187 सीटों पर बीजेपी की जीत। स्मृति ईरानी बोली ग्रामीण इलाकों में भी नरेंद्र मोदी पर लोगों का विश्वास। गोवा में जिला पंचायत के इलेक्शन में रचा गया इतिहास। स्मृति ईरानी ने कहा ग्रेटर हैदराबाद के म्यूनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी ने 12 गुना ज्यादा सीटें जीती। कश्मीर हो गुवाहाटी हो, अपना देश अपनी माटी। जम्मू कश्मीर की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया। स्मृति ईरानी ने कहा डीडीसी चुनाव में बीजेपी ने 75 सीटें जीती। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधियों ने शपथ ली। जिला मुख्यालयों में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पीएमसी बैंक घोटाले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और प्रवीण राउत के बीच 50 लाख से ज्यादा लेनदेन का खुलासा। ईडी ने संजय राउत की पत्नी को समन भेजा। वर्षा राउत को ईडी का तीसरा समन। पहले 11 दिसंबर और 22 दिसंबर को भी भेजा गया था समन। खराब सेहत का हवाला देकर पूछताछ में शामिल नहीं हुई थी वर्षा। पत्नी को ईडी का नोटिस मिलने पर संजय राउत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी। कहा ईडी के नोटिस से शिवसेना नहीं डरती। संजय राउत ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा केंद्र के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है, हमने कुछ गलत नहीं किया। संजय राउत ने बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने की धमकी दी। कहा पिछले एक साल में शरद पवार, एकनाथ खड़से, प्रताप सारंगी को भी थमाया जा चुका है नोटिस। संजय राउत की पत्नी को नोटिस मिलने पर बोले महाराष्ट्र के गृहमंत्री, बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ ईडी और सीबीआई को लगा देती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सीबीआई के हलफनामे से ममता बनर्जी के शारदा कनेक्शन का खुलासा। शारदा के प्रमोटर सुदीप सेन से ममता के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। सीबीआई के मुताबिक कुणाल घोष के फोन से ममता और सुदीप सेन में हुई बात। विधानसभा चुनाव के वक्त शारदा के प्रमोटर से जबरन दुर्गा पूजा समितियों को पैसे दिलवाए गए। सीबीआई के हलफनामे में सीएम रिलीफ फंड से शारदा ग्रुप को के तारा टीवी को 6,21,00,000 रुपए देने का खुलासा। हर महीने के हिसाब से 27,00,000 रुपए दिए गए। ममता सरकार के मंत्री पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा आरोप। पूछ बिहार में बीजेपी नेता के घर पर हमले का वीडियो शेयर किया। मंत्री डंडे से लैस भीड़ का नेतृत्व करते दिखे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नंदीगाम यात्रा कैंसिल, अब 7 जनवरी को करेंगी रैली। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर कांग्रेस की सफाई। रणदीप सुरजेवाला ने कहा बीमार रिश्तेदार को देखने गए हैं राहुल, छुट्टी पर नहीं है। सुरजेवाला ने बीजेपी से किया सवाल, क्या परिवार के सदस्य के बीमार होने पर कोई देखने नहीं जा सकता। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल पूछने पर भड़के कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। कहा क्या नानी को देखने जाना गलत है। केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी पर निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट करती है। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा भारत में राहुल की छुट्टी खत्म, अब इटली वापस चलेंगे। राहुल गांधी पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी चुटकी दी। कहा पार्टी के स्थापना दिवस पर राहुल 9/2/11। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस समारोह। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर एके एंटनी ने झंडा फहराया। प्रियंका वाड्रा भी मौजूद रही। स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी का संदेश। कहा आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक कांग्रेस ने देश प्रेम, जनसेवा, भाईचारा, एकता और अखंडता जैसे मूल्यों के लिए ही संघर्ष किया। विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कहा देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध। स्थापना दिवस पर सच्चाई और समानता का संकल्प को दोहराते हैं। किसानों को प्रधानमंत्री मोदी की 100वीं सौगात। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री 100वीं किसान रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। महाराष्ट्र के सागोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी ट्रेन। के जरिए सब्जियों और फल की ढुलाई होगी। ट्रेन में फल सब्जी की खेप की मात्रा की कोई सीमा नहीं। सरकार को फल और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी बढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी। बोले ड्राइवरलेस मेट्रो के साथ भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर दौड़ी पहली ड्राइवरलेस मेट्रो। प्रधानमंत्री ने कहा आज से 3 साल पहले मेजेंटा लाइन मेट्रो का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने कहा तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है भारत। पहले भविष्य की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रधानमंत्री ने अटल जी को याद किया। बोले अटल जी के प्रयासों से दिल्ली में चली पहली मेट्रो। 2025 तक 25 से ज्यादा शहरों में चलेगी मेट्रो। प्रधानमंत्री बोले करोड़ों भारतीयों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग का सबूत है मेट्रो। अब रोजाना 85 लाख लोग यात्रा करते हैं। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का जिक्र किया। बोले हमने स्थानीय मानकों, आधुनिक टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया के विस्तार पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा देश में पहले मेट्रो को लेकर कोई नीति नहीं थी। हमारी सरकार ने शहरीकरण को चुनौती नहीं अवसर के तौर पर देखा। प्रधानमंत्री ने कहा देश में मेट्रो निर्माण से आत्मनिर्भर भारत को मिल रही है मजबूती। मेट्रो कोच का निर्माण में जुटी हैं 4 कंपनियां। कोच की लागत 12 करोड़ से घटकर अब 4 करोड़ हो गई।
मोदी बोले, मेट्रो में 130 मेगावाट सोलर पावर का इस्तेमाल होता है। मेट्रो की वजह से सड़कों से हजारों वाहन कम होने से प्रदूषण भी घटा है। प्रधानमंत्री बोले, दुनिया में नई पहचान बना रहा है 21वीं सदी का भारत। वन नेशन वन फास्टैग से हाईवे पर ट्रैवल सीमलेस हुआ। प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बोले वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी से टैक्स का जाल कम हुआ। वन नेशन वन पावर ग्रिड से लगातार और पर्याप्त बिजली सप्लाई की सुविधा मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया, बोले आयुष्मान योजना से देश में कहीं भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं लोग। नीतीश कुमार का चौंकाने वाला बयान, कहा सीएम बनने की इच्छा नहीं थी, बीजेपी को दिया अपना मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर। नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे सुशील कुमार मोदी, कहा जेडीयू बीजेपी वीआईपी के निवेदन पर सीएम बने हैं नीतीश, बिहार सरकार का कार्यकाल पूरा होगा। अरुणाचल मामले में सुशील कुमार मोदी का बयान, कहा अरुणाचल के मामले का बिहार के गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी का लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान, कहा धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के पक्ष में नहीं है जेडीयू। केसी त्यागी ने कहा, संविधान दो बालिगों को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के। असम में मदरसों को नहीं मिलेगी सरकारी मदद, हेमंत बिस्व शर्मा ने सदन में विधेयक का प्रस्ताव रखा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती आज, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, बगैर थके जेटली देश सेवा के लिए काम करते रहे। दिल्ली के जेटली स्टेडियम में अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई मंत्री रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने भी याद किया, कहा बहुत तार्किक नेता थे जेटली, हमेशा जनसेवा और देश सेवा के लिए सोचते थे। आज से 3 दिनों की दक्षिण कोरिया यात्रा पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे, रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्रीगंगानगर नागी दिवस पर शहीदों को दी गई खास अंदाज में श्रद्धांजलि, 2 दिन के समारोह में लड़ाई का लाइट एंड साउंड शो का प्रदर्शन। 50वां नागी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, 16 दिसंबर 1971 को नागी की लड़ाई भारतीय सेना के सच्चे बलिदान को बताती है। देश की सबसे युवा मेयर बनी आर्या राजेंद्रन, 21 साल की आर्या को त्रिवेंद्रम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर चुना गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में साधु पर हमले के मामले में एक्शन में पुलिस, वीडियो के आधार पर 14 लोगों को गिरफ्तार किया। गांव वालों की शिकायत पर पुलिस ने पीड़ित साधु पर भी दर्ज किया आपराधिक मामला, कल भीड़ ने साधु पर पथराव किया था। अयोध्या में साकेत महाविद्यालय में लगे आजादी के नारे, 6 छात्र नेताओं पर केस दर्ज, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स धरना दे रहे थे। कानपुर में डाक विभाग की बड़ी लापरवाही, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और माफिया मुन्ना बजरंगी के नाम पर डाक टिकट जारी किया। दिल्ली एम्स में शिफ्ट होंगे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कोरोना की वजह से सीने में इन्फेक्शन, 18 दिसंबर को हुए थे कोरोना पॉजिटिव। 15 दिसंबर को ब्रिटेन से उत्तराखंड लौटे 5 कोरोना पॉजिटिव, उनके संपर्क में एक शख्स भी संक्रमित हुआ, सभी को आइसोलेशन में रखा गया। नांदेड़ में भी ब्रिटेन से आया एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, यात्री के संपर्क में आने वाले 3 लोगों को क्वारंटीन किया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ब्रिटेन से आया एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, पहले 57 साल की महिला पाई गई थी पॉजिटिव। देशभर में 24 घंटे में कोरोना से 20,021 लोग संक्रमित, अब तक 1,02,07,000 लोग संक्रमित हुए। देश में एक दिन में कोरोना से 269 लोगों की मौत, अब तक 1,47,901 लोगों की जान गई। 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हुए, देश में एक्टिव केस 2,76,000। देश में अभी तक 16,88,00,000 कोरोना सैंपल्स की जाँच हुई। आंध्रा में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी, अधिकारियों ने स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन और तैयारियों का जायजा लिया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,314 केस आए, 66 की मौत हुई। मुंबई में 24 घंटे में 578 नए कोरोना केस, 8 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 757 नए मामले, 16 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 205 नए केस, तेलंगाना में 6,231 कोरोना के एक्टिव केस। यूपी के बुलंद शहर में अस्पताल से भागे 4 कोरोना पीड़ित कैदी, पुलिस ने 3 को पकड़ा, 1 अब भी फरार। अमेरिका में कोविड राहत बिल को मंजूरी, राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल पर साइन किया, कहा महामारी की वजह से रोजगार गंवाने वालों को मदद मिलेगी। गाजियाबाद में पुलिस ने डांसिंग स्कॉर्पियो को जब्त किया, हिंडन एयरपोर्ट रोड पर मॉडिफिकेशन कराकर अराजकता फैलाने के आरोप में कार्रवाई। यूपी के शाहजहांपुर में धान खरीदी सेंटर पर केंद्र प्रभारी की दबंग गई, एक किसान की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पेट्रोल पंप पर टला बड़ा हादसा, पेट्रोल लेने आई बस में अचानक आग लगी, आग बुझाई गई। मुंबई के बडाला में एक इमारत में शॉर्ट सर्किट से आग, 2 महिलाएं और 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लखनऊ में आग की चपेट में आने से कंटेनर में रखी 3 कारें और 2 बाइक जली, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के विकास नगर में गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग, आग की चपेट में आए एक शख्स की मौत। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। माता वैष्णो देवी मंदिर के पास सीजन की पहली बर्फबारी, आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ी। हिमाचल की शिमला में बर्फबारी, जाकू इलाके में घर से लेकर सड़क और गाड़ियां सब बर्फ की चादर से ढकी। भारी बर्फबारी की वजह से ऊपरी शिमला की सभी सड़कें बंद, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी, सैलानियों की मुश्किलें बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में भी भारी बर्फबारी, सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़ और पेड़ पौधे। हिमाचल के रोहतांग में अटल टनल के पास लगा गाड़ियों का तांता, सीजन में पहली बार दिखी पर्यटकों की भारी भीड़। ब्रिटेन के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, रिहायशी इलाकों में पानी भरा। बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि पर पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने फिर रैली की, इमरान सरकार को अवैध बताया। विराट कोहली को आईसीसी ने दिया बड़ा सम्मान, इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना। आईसीसी ने कल दशक की अपनी 3 फॉर्मेट्स की टीमों में ली थी कोहली को जगह। एमएस धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड,
स्टीव स्मिथ बने दशक के बेस्ट आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर। डीआरएस में अंपायर्स कॉल पर सचिन तेंदुलकर ने सवाल उठाया, आईसीसी की अपील, डीआरएस सिस्टम की समीक्षा की मांग।